मेरा और आपका प्राइम मिनिस्टर मियां मामा शरीफ की नोटिस में लाते गए, आपके इसरार पर, आपकी कोशिश पर शॉर्ट और टनल पे 70 अरब रुपए रखा गया। लेकिन नया पाकिस्तान बनाने वाले ने तब तेरी सरकार में सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने पीएसडीपी से शॉर्ट और का नाम भी मिटा दिया है। मुझे उम्मीद है मुझे अल्लाह के बाद कई नमुद्रा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर ही यकीन है और गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीज रहमान से इंशाल्लाह ताला मरकज में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अंत करीब आने वाली है। मुतरमा आपके गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गिलगित क्लास आज अस्तोर आने के बाद आपकी सीटों में इजाफा हो चुका है और इंशाल्लाह ताला 2030 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ने चाहा हम दोबारा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये ठटकता समंदर इस बात का सबूत है, आपकी हलकवन और हलकटू की सीटें कंफर्म है। ये किसी दूसरी पार्टियों के लोग यहां शामिल नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मुतरमा आप से, परवेज ताहिर साहब से, परवेज रशीद साहब से, हाफिज हफीज रहमान साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये पैसों के कारकुन नहीं है, ये प्योर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, जो आपकी मोहब्बत के लिए किलोमीटर सफर तय करके आपके पास आ चुके हैं। मैं बहादुर बाप की बेटी मरियम नवाज शरीफ को आपकी तालियों में एक बार फिर खुश आमदेद करना चाहता हूं। किसकी आवाज आपकी मेरी गिलगित बल्तिस्तान की और पाकिस्तान की आवाज कौन है? कौन है भाई? मुझे मुझे मैं चंद गुजारिशात कायदीन आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे लोगों का डिमांड है, एक तो हमारा शोर तो टनल बनना चाहिए, दूसरा क्योंकि ये रट्टू यूनियन है,
इसी यूनियन से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, इससे आगे इसका गांव है, इसी यूनियन से पीटीआई का कैंडिडेट है। अली अभी आमीन गंडा बोर्ड ने बाकी कुछ तो नहीं दिया, वाटर सप्लाई का ऐलान कर गया है। वाटर सप्लाई के अलावा और क्या कर दिया आपको पता है? कल मैं बुबिन गया हुआ था, वहां सेवनल लेबर काम कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, आपका सेवन नाप हो चुका है, कैसा थे? कहते हैं कि अमीन गंगा पोलने इलेक्शन के लिए हमें 15 दिन के लिए दोबारा सेवनल तनखा के लिए लगाया है। ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। किस किस्म के ऐलान करके गए हैं, मेरे लोग हंस रहे थे। लेकिन मुद्रवा में आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अमीन गंडा फोर तब्दीली के जरिए इलेक्शन लेना चाहता है। इस वक्त पुलिस में जितने भी स्पेशल के पुलिस अफसर हैं, पीटीआई का एक कैंडिडेट उसका भाई, आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। हाफिज हाफिज रहमान साहब की नोटिस में ला चुका हूं टेलीफोनिक के लिए, उसका भाई डीआईजी स्पेशल है। कल मुझे इतना हो चुकी है कि उसने 25 स्पेशल के अफसरों को, जवानों को इस हलके में तैनात किया गया है। आया मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, आईजीपी साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर किधर सोया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, आप किसका नोटिस ले लें, आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ के लोगों का मुतालिबा है मेरी बहन कि 2 इंटर कॉलेज होना चाहिए, 2 इंटर कॉलेज का डिमांड है, 1 इंटर कॉलेज बाइज होना चाहिए। दूसरा गलत इंटर कॉलेज चाहते हैं, मुझे उम्मीद है ये तो मेरे कैद हाफिज हबीब रहमान साहब बनाएंगे। इसके अलावा आप और हम क्या चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है, पिछले 50 सालों में इस इलाके में कुछ नहीं हुआ। मैं सकता हूँ सबका चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को, जिसने मुख्तसर वक्त में कई मुकरम मियामा मनोहर शरीफ के मंशूर को लेकर गिलगित बल्तिस्तान ने तरक्याती जाल बिछाया, जिसमें अस्पताल है, कॉलेज है, पोर्ट है, क्या कर नहीं दिखाया? मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ बिना भाभी जफी रहमान का। इसके अलावा मेरे लोगों का मुतालिबा है, मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, मेरे यूथ और मेरे पढ़े लिखे ये चाहते हैं कि स्पेशली बच्चे साहिब साहब, परवेज रशीद साहब, कि पंजाब के अंदर अस्तौर के लोगों के लिए 10 मेडिकल सीटों का ऐलान करके आप जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये पसमंदा इलाका है। एसएससी के बाद आगे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, मेरे ख्याल में मेरे लोग मुकाबले में नहीं आ जाते हैं, इसलिए स्पेशल स्टोर के लिए 10 मेडिकल सीटों का आप ऐलान करेंगे। इसी के साथ 10 इंजीनियर की, 10 इंजीनियर की सीटों का भी आप ऐलान करेंगे, मुझे उम्मीद है।
क्योंकि ये काम कौन करता है, ये पंजाब हुकूमत करती है। मेरा शाबाज शरीफ करता है, मेरा नवाज शरीफ करता है, मेरा मुस्लिम लीग नून करता है। गुजारिश आपसे यह है कि ये खटकता हुआ समर्थन, इतने लोग हमें चाहिए। पिछले साल 3,000 तक तो हमने वोट लिया था, इस तब हमें 5,000 वोट की जरूरत थे। मेरे ख्याल में ये 10,000 का मजमा आपके सामने मौजूद है और ये तो मर्द बैठे हुए हैं और इस तरफ दाएं बाएं देहात से गांव से हमने नहीं लाया है। इतने खवातीन है तो 20,000 का मजमा, हल्का वन वोट टू की सीटें आपको मुबारक हो जी। मैं सलाम पेश करता हूँ रिटर्निंग अफसर को जिसने जाली पोस्टल बैलेट पेपर को रोका गया है। थैंक यू। ऐसी के साथ, क्योंकि टाइम कम है, मैं अपना टाइम भी देना चाहता हूँ लेकिन मैंने टाइम कुछ ज्यादा लिया, इसीलिए कि मेरे लोगों का डिमांड था ये चीजें आपके नोटिस में लाना चाहता। वंस अगेन आप तमाम का शुक्रिया जो दूर दराज से आए हुए हैं, आपका सोशल मीडिया का जो दिल्ली से आए हुए हैं, असूल से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, आप तमाम का शुक्रिया। बेहतरीन चौधरी के लिए यहाँ पे आए हैं, आप तमाम का शुक्रिया। एक नारे के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इस्लाम, मरियम नवाज, हाफिज अब्दुल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।